हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। जरा आप ध्यान से समझ लीजिए इस अपडेट को। स्कूल फीस अब प्राइवेट स्कूल नहीं ले सकते। कैश फीस यानी जो कैश में फीस सबमिट होते हैं प्राइवेट स्कूल में, अब वो नहीं हो पाएंगे। 5 साल तक यूनिफॉर्म भी नहीं बदल सकेंगे। जानिए नया आदेश। जी हाँ, क्या पूरा अपडेट बताएंगे इस वीडियो में, आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी जनवरी महीने में स्कूल की फीस न बढ़ाए जाने को लेकर फैसला किया था। इसके मुताबिक यूपी के सभी बोर्ड के स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र जो 2022-23 में स्कूल एडमिशन होगा उसमें फीस बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। ये फैसला कोरोना महामारी के चलते लिया गया था, जिसके बाद सभी स्कूलों में 2019-20 वाली तय की गई शुल्क ही ली जाएगी। जी हाँ, और आपको बता दें इससे पेरेंट्स को काफी राहत मिली थी। यूपी सरकार के कुछ इसी नक्शे कदम पर चलते हुए हरियाणा सरकार ने 2022-23 के शैक्षणिक सत्र में निजी स्कूलों के नगद फीस लेने पर रोक लगा दी है। वहां की सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब स्कूलों को चेक या ऑनलाइन माध्यम से ही फीस जमा करवानी होगी। यानी अगर हरियाणा के अगर आप रहने वाले हैं तो आपको अब स्कूल फीस जो सबमिट होगा प्राइवेट स्कूल में वो कैश में नहीं होगा, चेक में होगा या ऑनलाइन होगा। कॉपी किताबें खरीदने के लिए भी नहीं कर सकते बाध्य। वहीं आपको बता दें, स्कूल 5 साल से पहले यूनिफॉर्म भी नहीं बदल सकते हैं। इसी के साथ ही स्कूल कॉपी किताबों को खरीदने के लिए बच्चों को मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई स्कूल 3 बार से अधिक दोषी पाया जाता है तो उसकी मान्यता को भी रद्द किया जा सकता है। इससे यूपी के उन अभिभावकों को बेहद राहत मिलेगी जिनके बच्चे गुड़गांव के बड़े और महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये कुछ अपडेट था जिसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।